पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमसीबी का कनेक्शन करना बताऊंगा। हमारे पास देखिए 16 एम्पियर का एमसीबी है। हम इसी बोर्ड में एमसीबी का कनेक्शन करना बताऊंगा। यदि आपके पास कोई भी पहले से पुराना बोर्ड हो, घर में फिट किया हो, तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से एमसीबी का कनेक्शन करना सीख पाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट के बिना मैं बोर्ड में कनेक्शन करना शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे न्यू वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, हम यही वायरिंग किया हुआ बोर्ड में एमसीबी का कनेक्शन करेंगे। फ्रेंड्स, एमसीबी में दो टर्मिनल होते हैं, एक अप और एक डाउन। जिस समय हमारा एमसीबी का ऊपर रहेगा स्विच, तो हमारा काम करेगा। जैसे ही ज़्यादा लोड पड़ेगा तो हमारा ट्रिप कर जाता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो ये ट्रिप कर जाएगा। चलिए हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इस बोर्ड की मेन फेज की वायर को हम एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। और एक रेड कलर के वायर हम लेंगे और एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, जो हमारी मेन फेज की वायर है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बोर्ड में एमसीबी का कनेक्शन हो गया है। अब हम इसको सीधा करके पावर देकर ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस बोर्ड में पावर दे दिया है। अब हम चेक करके देखते हैं। देखिए, मैं बल्ब होल्डर में बल्ब को लगाकर चेक कर रहा हूँ। देखिए, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है और हमारे एमसीबी की कनेक्शन सही से हुई है। अब चलिए हम एमसीबी को भी चेक कर लेते हैं। एमसीबी लगाने से ये फायदे होते हैं कि आपके घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो तो एमसीबी तुरंत ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा और घर के लाइन बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, एमसीबी हमारा बेड स्विच की तरह काम करता है। देखिए, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूँ फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।